कॉपी करना हाँ जी इमिटेट का मतलब क्या होता है कॉपी करना या फिर आप बोल सकते हैं मिमिक करना यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा मिमिक तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए और अगर आप याद करना चाहें तो एक और वर्ड होता है हमारा क्या वर्ड होता है भाई वो होता है इम्यूलेट हाँ जी इम्यूलेट इमिटेट कॉपी मिमिक इन सभी का मतलब क्या होता है भाई नकल करना चलिए मूविंग टू आर नेक्स्ट वर्ड हाँ जी नोविस नोविस क्या होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है मतलब इतना ज्यादा ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बस क्या ही बोले भाई स्टार पे स्टार भी देंगे ना तो भी कम पड़ेंगे इस वर्ड को इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट वर्ड है नोविस होता है अगर मैं हिंदी में बोलूं तो नो सीखिया ठीक है नोविस का मतलब क्या होता है नौ अब चार आपके ऑप्शन है आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बिगिनर क्या आप और भी वर्ड सीखना चाहोगे हाँ जी नोविस है बिगिनर है एक और वर्ड याद कर लीजिए नियोफाइट ठीक है नियोफाइट का भी मतलब क्या होता है भाई जो नोविस होता है बिगिनर होता होता है नौसिखिया होता है नौसिखिया या फिर आप बोल सकते हैं रुकी जो थोड़ा भाई नया नया आया है रुक रुक के काम कर रहा है सीख रहा है रुकी या फिर नया नया ट्राई कर रहा है टाइरो ठीक है तो इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या होता है बिगिनर आपका नोविस है नियोफाइट है टाइरो है रुकी है और क्या है भाई आपका नोविस है क्लियर हुआ चलिए मूविंग टू अर नेक्स्ट वर्ड हाजी डर्थ अब दर्थ का मतलब क्या होता है भाई का मतलब अगर मैं आपको याद करने का एक तरीका बताऊं तो आप इसे याद कर सकते हैं जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है ठीक है डर्थ को रिलेट करेंगे डेथ से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो क्या हो जाता है भाई उस इंसान की कमी हो जाती है तो डर्थ का मतलब होता है शॉर्टेज ठीक है डर्थ का मतलब क्या होता है शॉर्टेज या फिर अगर मैं हिंदी में बोलू कमी ओके okay, तो डर्द को आपको कैसे रिलेट करना है डेथ से रिलेट करना है कि किसी इंसान की डेथ के बाद क्या हो जाती है भाई उस इंसान की कमी हो जाती है तो डर्थ का मतलब क्या होता है कमी होता है शॉर्टेज होता है या फिर आप शॉर्टफॉल भी कह सकते हैं क्लियर एवरी वन चलिए मूविंग टू अर नेक्स्ट वर्ड हाँ जी ऑथेंटिक अभी ऑथेंटिक वर्ड इतना ज्यादा ऑथेंटिक है इतना ज्यादा आपके एग्जाम्स में आता है आगे भी आता रहेगा तो रट लीजिए ये आप यूज भी करते होंगे अपने डे टू डे लाइफ में ऑथेंटिक का मतलब होता है हाँ जी जेन्युन ठीक है ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है जेन्यून या फिर आप कह सकते हैं रियल और ये जो काउंटर फीट है ना ये काउंटर फीट इसका एक तरह से क्या हो जाएगा हो काउंटर फीट का मतलब होता है फेक ओके okay, तो दो वर्ड हमने करे ऑथेंटिक क्या होता है रियल होता है जेन्यून होता है काउंटर फीट क्या होता है आपका फेक होता है हाँ जी ऑप्यूलेंट क्या होगा भाई ऑप्यूलेंट को याद रखेंगे भाई मेरा एक दोस्त है ओपू ठीक है मैंने उससे बहुत सारे पैसे क्या लिए लेंट पे लिए उधार पे लिए तो भाई ओपो मुझे पैसे लेंट पे दे रहा है उधार पे दे रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या है बहुत ज्यादा अमीर है तो ओपोलेंट कौन होते हैं बहुत ज्यादा अमीर तो यहां पर इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका यहां पर सिनिम होगा लक्शरियस ठीक है ऑप्यूलेंट का क्या होगा लक्शरियस होगा या फिर अगर आप एक और वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड याद करना चाहे ऑप्यूलेंट के सिमिलर है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफ्लुएंट ठीक है एफ्लुएंट भी क्या होते हैं भाई जो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं रिच होते हैं तो इजी है, आप luxury से आप लग्जरी लग्जरी याद रिलेट रिलेट कर सकते हैं भाई जो luxury lifestyle में जी रहा है तो ऑब्वियसली वो क्या है वो अमीर है ऑप्यूलेंट है और आप बोल सकते हैं एफ्लुएंट है ओके okay? चलिए टिमिड क्या होगा अगर टिमिड को मैं याद करने का तरीका बताऊं जैसे मैंने याद करा है अब जैसे अगर आपको पता है करीना कपूर और सैफ अली खान ठीक है उनके दो बच्चे हैं एक कौन है एक तो भाई तैमूर अली खान है एक कौन है जहा जहांगीर है राइट जे तो जो जे है छोटे वाला वो थोड़ा सा नॉटी है शैतान है बट जो तैमूर है अगर आपको पता हो तैमूर को टिमटिम बोलते काफी ज्यादा मीडिया में आता रहता है ठीक है तो टिम टिम क्या है भाई टिमटिम थोड़ा सा शाही है जो तैमूर है वो थोड़ा सा शाही है तो उससे रिलेट करेंगे भाई टिमिड टिमिड क्या होते हैं भाई टिमिड आपके शाही होते हैं ठीक है टिमिड कौन होते हैं जो आपके थोड़े से शाही होते हैं शर्मीले होते हैं ओके तो हमारा आंसर पे क्या होगा शाही होगा और शाही के लिए हमारा एक और वर्ड है मीक मीक ठीक है भी शाही होते हैं इसको याद करेंगे मी इसको याद कैसे करेंगे मी कि भाई मी मैं कैसी हूं मैं शर्मीली हूं मैं शर्मीला हूं ठीक है तो टिमिड है शाही है मीक है तीनों का मतलब क्या होता है शर्मिला

ओके okay, मैलडी हाँ जी मैलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है भाई नहीं पता ना बार बार लोग पूछते रहते हैं मैलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है ये दुख कब खत्म होगा तो भाई मैलडी का मतलब क्या होता है दुख दर्द बीमारी इलनेस पीड़ा ठीक है मैलडी का मतलब क्या होता है बीमारी पीड़ा इलनेस दर्द ठीक है तो ये वर्ड आप याद रखेंगे मैलडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी मेल ठीक है ये जो आपका वर्ड है ना मेल इसका ये सेंस देता है हमेशा किसका कुछ बेकार का ठीक है कुछ इविल की इसमें सेंस आती है ये जो आपका रूट वर्ड है ना मैल आपको जहां भी दिखेगा तो ये आपको हमेशा क्या सेंस देगा ये आपको सेंस देगा कुछ गलत की कुछ बैड की कुछ इविल की तो ये कैसा वर्ड है ये आपका नेगेटिव वर्ड है राइट तो इससे आप याद कर सकते हैं एक और वर्ड होता है हमारा मेलिशियस ठीक है भाई स कौन होते हैं मेलिशियस होते हैं वो इंसान जो हमेशा दूसरों का बुरा चाहते हैं ओके okay, तो आपका वर्ड क्या करा हमने मैलडी मैलडी क्या होता है भाई दुख दर्द पीड़ा इलनेस बीमारी ठीक है और ये मेल वर्ड क्या है भाई मेल वर्ड हमारा एक रूट वर्ड है जो क्या है जो एक नेगेटिव वर्ड है क्या है है भी तो आपका एक नेगेटिव वर्ड राइट तो मेलिशियस क्या होते हैं मेलिशियस होते हैं आपके वो इंसान जो हमेशा दूसरों का बुरा चाहते हैं इसी पर अगर आपको कोई एक और वर्ड याद आ रहा हो मेलिशियस के लिए तो जरा खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाइए गूगल करिए और वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बताइएगा तब तक हम करते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड ट्रैंक्ल हाँ जी ट्रेंकुअल क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अब यहां पर हमारा आंसर क्या होगा देखिए ट्रैंक्ल होता है बिल्कुल शांत ठीक है आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी काम या फिर आप एक और वर्ड बोल सकते हैं सरी ठीक है एस ई आर ई एन ई सरीन ठीक है काम है सरीन है ट्रेंकुअल है पीसफुल हाँ जी अगर आप चाहे तो आप यहाँ पर पीसफुल भी बोल सकते हैं और ये जो वाइल्ड और एजिटेटेड है ये इसका एक तरह से क्या होंगे ये दोनों वर्ड इसके एंटोनिम होंगे ठीक है ये तो हो जाते हैं शोर शराबा कोलाहल और ट्रैंक्ल क्या होता है शांत काम पीसफुल या फिर आप बोल सकते हैं सरीन ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वर्ड वर्ड और लास्ट अपेरेंट ठीक है अपेरेंट क्या होगा भाई अपेरेंट होता है ऑब्वियस जो चीज क्या है बिल्कुल ऑब्वियस है बिल्कुल क्लियर है हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑब्वियस और ये जो वर्ड है ना ऑब्सक्योर ये एक तरह से इसका एंटोनिम होगा इसका मतलब होता है नॉट क्लियर ठीक है है का मतलब क्या होता है? आपका नॉट क्लियर होता है तो चलिए फिर यहां पर इस क्लास को एंड करते हैं तो आगे ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी जरूर इसको देखें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और साथ के साथ भाई रिवाइज भी करें आज हमने दस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड करे हैं जो ज्यादातर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ओके सो बाय बाय वन मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ थैंक यू सो मच